आशा बहु कार्यकर्त्री कल्याण सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव के नेतृत्व में आशा बहुओं की 5 सदस्यीय टीम ने आशा बहुओं के प्रोत्साहन राशि को हटाकर मानदेय निर्धारित करने की मांग को लेकर सदर सांसद रवि किशन को मांग पत्र सौंपा, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि आशा वर्कर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम करती है, जिनकी सराहना प्रधानमंत्री मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना में जब कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता था, तब आशा वर्करों ने अपने घर से निकलकर कार्य किया। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर की मांगों को संसद सत्र में सदन में उठाया जाएगा तथा मांगों को केंद्र सरकार तक भी पहुंचाया जाएगा। वहीं इस संबंध में ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्त्री कल्याण सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव ने कहा कि सदर सांसद को प्रोत्साहन राशि हटाकर नियमित मानदेय करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने आशा वर्करों को आश्वस्त किया है कि मांगों को संसद में उठाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव तथा सदर सांसद रवि किशन ने कहा, हम रखेंगे, चूंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर है तो हम उसको केंद्र में भी रखेंगे और हम कुछ महाराज जी के पास उसको राज्य में भी रखें। अभी मैं महाराज जी से मिलने जा रहा हूँ, अभी निकलेंगे, लेकिन हम इसको चिंता ना करें आप लोग, क्योंकि आप लोगों के बारे में, आशा बहनों के बारे में अक्सर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी या केंद्र संगठन हमेशा कुछ ना कुछ पहल करता रहता है। जैसे आप लोगों का कुछ इनका भी इनका कितना बड़ा है, मंदिर बांट करके मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है तो वो टुकड़ों में मिलता है, टुकड़ों में चला जाता है। सही तरीके से आज तक हम लोग को मिला ही नहीं। यहाँ माने के सांसद के सामने आप लोग रखे हैं, क्या होता है? हम ऑल इंडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव आज संसद जी से हम लोग मिलने आए, अब बहुत आशा लेके हम लोग आए और हमारी मांग यही थी कि जो हमको प्रोत्साहन दिया जा रहा है वो एक नियमित मानदेय में कर दिया जाए, और इसी आशा से आए थे कि अब सत्र चलने वाला है संसद भवन में, हमारे संसद जी हम लोग की समस्या को उठाएंगे और हम लोग का भी कल्याण होगा। इनका केंद्रीय स्तर का भी आया था और ये बहुत बड़ा विंग है, एक बहुत बड़ी शक्ति है नारी शक्ति के रूप में, जो हमारे देश में हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बड़ी मदद करती है, जिसका जिक्र हमेशा अक्सर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी करते हैं, पूज्य महाराज जी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी इनको बड़ा सम्मान देता है। कोविड काल में इन लोगों की शक्ति हम लोगों को पता चली, जब लोग गांव से घर से नहीं निकलना चाहते थे, कोरोना के इंजेक्शन नहीं लेना चाहते थे, कोविड के बारे में जानना नहीं चाहता, तब आशा बहनें बाहर निकली थी। तो आज ये बहनें और ये सारी बहनें आई हैं और उन्होंने अपनी एक समस्या रखी जो बहुत जटिल समस्या है, इसको ज़रूर मैं, ये अभी विंटर सत्र शुरू हो रहा है, इस शीतकालीन सत्र में इस इनकी समस्याओं को ज़रूर उठाऊंगा और इस पर थोड़ी गहन पढ़ाई भी कर लूं, ताकि इन लोगों की बातों को, शब्दों को रखने में मुझे भी आसानी हो और मेरी बात ऊपर तक मेरे संगठन के जो मेरे आलाकमान हैं वहाँ तक भी पहुँच जाए, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बातों को आलाकमान बहुत गंभीरता से लेगा, क्योंकि आशा बहनों का संगठन, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा कोई नहीं। आते देखिए पहुंचनी चाहिए, आज ये बात हम तक पहुंची है, इनकी बातों को अब हम जरूर बात सुनी जाती है। ये नहीं कि मैं इनका सांसद हूँ, मैं अभी सांसद बना हूँ, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट हृदय का स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ, देश जानता, आप लोग भी जानते हैं। मैंने बहुत करीब से इस सरकार को देखा और इस पार्टी को जिसका नाम भारतीय जनता, यहाँ हर चीज़ हर बातों पर बड़ी बारीकी से गौर किया जाता है। आप लोगों की बात ठीक से पहुँची नहीं होगी, अब हम इसको पहुँचाएँ।